हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सना इन ब्यूटी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक ब्लीच क्रीम ब्लीच का वीडियो। तो मेरे पास ये ऑक्सीलैब नेचुरल रेडियंस फैब क्रीम ब्लीच, तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कैसा है ये ब्लीच, ऐसे किस तरह हम खुद से घर पे कर सकते हैं और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है कि नहीं, ब्लीच करने टाइम हम क्या गलती नहीं करनी चाहिए और कौन से स्किन टाइप वालों को इसे लगाना चाहिए। तो ऑल टू ऑल सब कुछ मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगी, वीडियो के एंड तक देखिएगा, बहुत ही यूज़फुल होगा आप लोग के लिए वीडियो। तो ये मेरे पास से एक ऑक्सीलैब का नेचुरल रेडियंस फैब क्रीम ब्लीच, तो इस ब्लीच का क्या फ़ायदे मैं वो भी आपको बताऊंगी और इसे किस तरह यूज़ करना है मैं वो भी आपको बताऊंगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें, बेल आइकन को भी हिट कर दें ताकि आने वाली ब्यूटी से रिलेटेड जितनी भी वीडियो हो तो आपको नोटिफिकेशन पहले पहुँचे। तो कैसा ये ब्लीच, चलिए बात कर लेते हैं। ये है ऑक्सीलैब नेचुरल रेडियंस फैब क्रीम ब्लीच विथ एक्टिव ऑक्सीजन, और इसमें बता रहे मस्ट वे रिकमेंड ब्लीच ऑफ सैलून एक्सपर्ट। सैलून में जो काम करते हैं, सैलून एक्सपर्ट जो होते हैं उसी से कराने बोल रहे हैं ब्लीच, से घर पे नहीं करने बोल रहा है। पर मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि घर में भी आप इजीली कर सकते हैं, घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है। मैं जिस तरह आपको बता रही हूँ बस उसी तरह आपको स्टेप बाई स्टेप करना है। तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम इसे सैलून में ही जा कर कराएँ। तो और चलिए बात कर ले इसका प्राइस का, तो ये प्राइस इसका कितना है वो मैं देख लेती हूँ। प्राइस इसका 85 रुपीस और इसका सेल्फ लाइफ है 1 ईयर। इंग्रेडिएंट क्या क्या चीज़ें वो सब कुछ पीछे मेंशन किया हुआ है। और चलिए इसको 3 बार यूज़ करना है, ये 3 यूजेस यानी इसको 3 बार यूज़ करना है हमें। तो एक बॉक्स जो हमारे 85 रुपीस में आ जाता है उसे आप 3 बार ब्लीच कर सकते हैं खुद से घर पे। अगर आप सैलून में जाते हैं कराने के लिए तो एक बार के 100 से 150 रुपया लग जाता है हमें क्रीम ब्लीच कराने का। इसी तरह बॉक्स एक ला लें जिसे आप घर में 3 बार इसे यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको क्या क्या फ़ायदे वो भी सब लिया हुआ है। आपका डार्क स्पॉट जो है फेस का वो दूर होगा, स्किन टोनी भीन होगा, डल स्किन ठीक होगा, डेड स्किन सेल निकलेगा और सन टैन भी दूर होगा। तो कितने सारे फ़ायदे हैं इसमें, ठीक है। नो एडेड अमोनिया, इसमें अमोनिया भी बिल्कुल भी नहीं है, तो बल्कि तो ये प्लस पॉइंट है इसका, इसमें अमोनिया नहीं है। हाउ कैन ऑक्सीलैब ब्लीच हेल्प, तो ऑक्सीलैब आपको क्या क्या हेल्प करता है वो सब इसमें लिखा हुआ है, रेड किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ ऑक्सीलैब नेचुरल रेडियंस फैब क्रीम ब्लीच इनरिच विथ एक्टिव ऑक्सीजन एंड यूनिक पोस्ट ब्लीच स्किन रेडियंस सीरम ब्राइट एंड मॉइस्चराइज स्किन हेल्प सॉल्व फैब फेयरनेस प्रॉब्लम्स। ये बता रहा है इसमें कि आपको 5 तरह फेस का प्रॉब्लम जो है वो उसे दूर करेगा, आपके स्किन टोन भी इवन होगा और स्किन में जो भी आपके स्किन प्रॉब्लम है वो दूर होगा, आपके स्किन नरिशमेंट होगा, आपके स्किन नया ब्राइटनेस होगा, आपके स्किन नरिश होगा। तो बहुत सारे से फ़ायदे जो इसमें होगा आपको ऑक्सीलैब ब्लीच से। इधर से देख लेते हैं कि कैसा है, ये बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से एक क्रीम आ जाता है इसमें, ये इसका क्रीम, ठीक है। क्वांटिटी इसका 21 ग्राम है क्रीम का, और इसका साथ क्या आता है देखते हैं। ये है सीरम, जो 3 पैकेट है इसमें आ रहा है, तो जो 3 बार यूज़ करना है मतलब एक बार आप में एक आपको सीरम के पैकेट लेना है। उसके बाद इसमें एक आ जाता है ये एक्टिवेटर, ये देखिए एक्टिवेटर आ जा रहा है इसमें। तो आपको इसको 3 बार 3 भाग में डिवाइड कर लेना है इसको। तो ऐसा आपको पाउडर एक बार में लेना है कि 3 बार में ये कंप्लीट हो जाए, ठीक है। और इसके साथ एक ब्रशर आ रहा है इस तरह से लगाने का, और ये है जिसमें आप पढ़ के भी आराम से लगा सकते हैं, हर लैंग्वेज में इसमें लिखा हुआ रहता है किसे किस तरह यूज़ करना है, सब कुछ इसमें रहता है। तो आपको मैं बता देती हूँ कि इसे यूज़ किस तरह करना है आपको। सबसे पहले आपको ले लेना है क्रीम, तो आपने इतने क्रीम है इसमें, जो क्रीम है मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए अंदर से कैसा है, अंदर से कुछ इस तरीके से है, ये देखिए। इसे 3 भाग में इस तरह से डिवाइड कर लीजिए कि 3 बार में आपको इसे लेना है, ठीक है, क्योंकि 3 बार इसे यूज़ करना है तो 3 बार में आप इसे ले लीजिए। उसके बाद आपको क्रीम लेना है एक बॉल में, उसके बाद इसको ऐसा इसमें से एक्टिवेटर लेना है, जो आपको तीन भाग में कर लेना है, एक भाग इसे एक्टिवेटर ले लेना है और एक पैकेट सीरम ले लेना है, तीनों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद अपने फेस को क्लीन करने के बाद अपने फेस में पूरा इसे अच्छे तरीके से लगा लेना है, सिर्फ फेस में लगा लेना है, आईब्रो के एरिया में बिल्कुल भी नहीं लगाना है, आँखों के नीचे नहीं लगाना है आपको, और अपना जो ऊपर होता है हेयर अपने हेयर के पास भी बिल्कुल भी नहीं लगाना है, सिर्फ अपने फेस में आपको लगाना है। क्योंकि ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिएगा कि आप अपने आँखों के एरिया में आप लगा लीजिएगा, बिल्कुल भी ये गलती नहीं करिएगा। उसके बाद इसको मिक्स करके अपने लगा लीजिए, 15 मिनट तक इसी तरह रहने देना है। उसके बाद अपनी क्लीन
वाटर से अपने फेस को वॉश कर लेना है। आपको फर्स्ट टाइम में ही बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आप एक बार इसे यूज़ करके ज़रूर देखें। जिस तरह से मैं बताई हूँ आपको स्टेप बाय स्टेप, बस उस तरह आपको यूज़ करना है तो बहुत ही अच्छा आपको रिजल्ट आएगा। घर बैठे इसलिए आप आराम से ब्लीच कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आए, और अगर आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। बाय बाय, टेक केयर।